तब महाराज युधिष्ठिर फिर रोने लगे और रोने के बाद फिर पूछे कि माँ तुमने पहले ही क्यों बात नहीं बताई, अगर पहले तुमने बताया होता तो ये युद्ध ही नहीं हुआ होता। और फिर कहने लगे कि मैं कर्ण के पैर को जब देखता था, चरण को देखता था, तो मुझे आश्चर्य होता था कि तुम्हारे चरण जैसा क्यों उसका चरण है। तुम्हारे कुछ शारीरिक बनावट के अनुसार कर्ण की बनावट थी, कभी कभी मुझे शंका होती थी। ये महाभारत में यथावत लिखी गई बात, कर्ण का कंठ स्वर भी तुम्हारे स्वर से मिलता जुलता था। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर को बहुत क्रोध हुआ संपूर्ण स्त्री जाति पर, स्त्रियां इस तरह से बात छिपा सकती हैं। तो उन्होंने गंगा जी का जल लेकर के साप दिया सभी नारियों को कि आज से उनके हृदय में कोई बात छिपी नहीं रहेगी। किसी बात को पचार नहीं पाएंगी। इसीलिए बहुत गंभीर बहुत सीक्रेट बात स्त्रियों से नहीं कहना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी बातें छिपानी चाहिए, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जो उसको नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वो लोक में कह ही देगी। ये सत्य है बिल्कुल। पर पुरुष भ्रम में हो जाएगा कि नहीं नहीं ये नहीं कहेगी नहीं कहेगी, लेकिन वो कह ही देगी, किसी न किसी अपने सखी से चाहे जैसे तैसे वो बाहर कर देगी बात। एक बहुत ही सूक्ष्म घटना हुई है रामायण में, आप सभी जानते हैं कि कैकेयी गई थी स्वर्ग में राजा दशरथ के यहां जब वो दैत्यों से युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध में कैकेयी ने उनकी मदद किया, तो इससे महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए। और अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में वे अपनी प्रिया से कहने लगे कैकेयी से कि तुम मांगो जो भी मांगोगी दूंगा, और एक नहीं दो बात मांगो। यदि ऐसे पुरुष को कभी नहीं कहना चाहिए, इतनी स्वतंत्रता स्त्री को नहीं देनी चाहिए कि तुम कुछ भी मांगो। इतना अधिकार नहीं देना चाहिए, कुछ रिजर्वेशन के साथ वचन देना चाहिए कि यही दूंगा इतना दूंगा, लेकिन कुछ भी मांगो। उन्होंने तो प्रेम बस कह दिया, और वह भी प्रेम करती थी, उसने उसको लज्जा रही थी कि मैं क्या मांगू, उसने टाल दिया वचन को, कहा कि ठीक है बाद में कभी मांग लूंगी बाद में कभी मांगू। तो महाराज दशरथ इस बात को कहे और कैकेयी ने सुना, तो कैकेयी और दशरथ के बीच ये बहुत अंतरंग बात हुई थी, बहुत एकांत में पति पत्नी के बीच बहुत प्रेम से बात हुई थी। लेकिन देखिए कैकेयी का स्त्री स्वभाव, वो जब अयोध्या आई तो एक दिन मंथरा से ये बात कह दी कि हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, उन्होंने तो कहा है कि कुछ भी मांगोगी दे दूंगा। बताए उस थर्ड क्लास की स्त्री से कहने की क्या जरूरत थी, वो तो मंथरा एक दासी थी और उसके कुल का भी पता नहीं था कि कहाँ की है, उसका बाप कौन है, किधर से आई है, ऐसे ही कैकेयी ने रख लिया था उसको। बाद में वाल्मीकि रामायण में बात लिखी गई। तो मैं यह कह रहा हूं कि वह रानी थी कैकेयी, बहुत ऊंचे पद पर बहुत उच्च महिला थी, लेकिन उसकी वार्ता बहुत नीचे कोटि की स्त्री से हो रही थी, और अपने पति के साथ जो इतना प्रेम में संबंध था, तो अपने सौभाग्य को प्रकट करने के लिए वो दासी से इस तरह से कह दी थी कि हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, उन्होंने दो बार मांगने के लिए कहा है, ये कहने की जरूरत नहीं थी। और जिस दिन अयोध्या को सजाता हुआ देखा मंथरा ने, तो जब कैकेयी के पास पहुंची तो कैकेयी रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, तब मंथरा ने बताया कि आपने मुझे सुनाया था ना दो वरदान की बात, तो आज वो काम करेगा वरदान, एक वर से भरत को राज्य मांगिए और दूसरे वर से राम को वन में धकेलिए, वन में भेज दीजिए। देखिए अब ये नहीं कही होती कैकेयी तो ये बताई नहीं होती मंथरा, कैकेयी भूल गई थी उस बात को कि हमारे पति दो वर देने के लिए कहे हैं, भूल गई थी,
लेकिन मंथरा ने याद दिलाया। तो कुछ महाराज युधिष्ठिर के इस साप से सावधान रहना चाहिए, ये बहुत अंतरंग या सेक्रेट बातें स्त्रियों से नहीं करनी चाहिए। भले स्त्रियां दुखी हों इस बात को सुन करके, लेकिन जो सत्य है वो कहा जा रहा है। और यदि किसी पुरुष को इस बात पर विश्वास नहीं हो तो समय ऐसा आता है कि उस समय पता चलता है कि हाँ हाँ ये बात बिल्कुल फैक्ट। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी बातें छिपाते रहे और रोज झगड़ा करते रहे, ऐसी बात नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को छिपाने से महाराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया। तो तीन माताओं का वहां जिक्र है जो बहुत रो रही थी, कुंती, गंधारी और द्रौपदी। पुत्र शोक आर्ताम, ये तीनों का विशेषण है। तीनों पुत्र शोक से आर्त थे, विलाप कर रही थी, रो रही थी अपने अपने पुत्रों का गुण गाकर। लेकिन कुंती पुत्र का नाम नहीं ले रही थी, ऐसे ही रो रही थी, नाम नहीं ले सकती थी। तो भगवान समझा रहे थे, मुनि भी, और मुनि जन समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? भूतेषु कालस्य गतिम दर्शय न प्रतिक्रियाम। वे ये समझा रहे थे कि भूतेषु जीवों पर काल की कैसी गति है, किस तरह से काल सबको जन्म देता है, मिलाता है परस्पर विवाह आदि संबंध द्वारा, और अंत में बिछुड़ा देता है, मार देता है, युद्ध उपस्थित कर देता है। काल की ऐसी गति है, समय के प्रवाह में ये सब हो जाता है, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, ये होना था। भगवान समझा रहे थे कि देखो, इस युद्ध को रोकने का अनेक प्रयास किया गया, अनेक प्रयास किए गए। मैं संधिदूत बनकर गया, मैत्रेय जी रोकना चाहते थे, वेदव्यास देव रोकना चाहते थे, कई तरह से समझाया गया, लेकिन अंततः यह युद्ध उपस्थित हो गया। तो भगवान यह कह रहे थे कि काल के चाल को रोक पाना असंभव है। जैसे काल ने जन्म दिया है, उसी तरह से एक दिन वो मार भी देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सम रहे, शोक न करे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिस पर मनुष्य का कोई बस नहीं चलता है, वो क्या करेगा। अब यही युद्ध रोकने का इतना प्रयास किया गया उसकी सीमा हो गई, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं रुका, हो करके रहा, और अंत में युद्ध का परिणाम हुआ कि सब लोग नष्ट हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जिन पांच तत्वों का वर्णन किया है उसमें काल भी एक है, से ईश्वर, जीव, माया, कर्म और काल, पांच चीज का वर्णन किया। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में ये बात लिखे हैं बड़े विस्तार से। गीता में मुख्य रूप से पांच विषयों का वर्णन, भगवान का वर्णन है, फिर माया का, कर्म का, काल का और जीव का, पांच चीजों का वर्णन। तो काल भी एक फैक्ट है, काल ही इस जगत की सृष्टि करता है और प्रलय करता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं वृद्ध हो जाऊं या मैं मरूं, ये मुझे कोई रोग हो, लेकिन हो करके ही रहता है, क्योंकि हम लोग काल के अधीन हैं और काल के भीतर ही गणना होती है। ये बर्थडे है, इसके बाद एक्सपायर डेट होगा, एक्सपायरी डेट। दूसरे लोग गिनेंगे, ये बर्थ डेट था और ये तिरोभाव दिन हो गया ये गिनेंगे, तो काल के अधीन है। काल शरीर में बचपन देता है, यौवन देता है, वार्धक्य देता है और अंत में विनाश कर देता है। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं अनादिकाल से। एक कवि ने कहा है कि हम सब काल के अधीन हैं और यात्रा में हैं और जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति जल्दी चला जाता है तो लोग रोते हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत से आदमी जाने के लिए तैयार हैं और ट्रेन पकड़े हैं, वायुयान पकड़े हैं, तो उसमें कोई जल्दी पहुंच जाए तो इसमें शोक की क्या बात है, जब जाना ही है। वो कभी कहता है जब जाना ही है तो कोई तेज गति से जल्दी चला गया तो खुशी की बात है ना।
जा ही रहे चलम चित्तम चलम वित्तम चला चलम इदम जगत, सब कुछ है चल रहा है चल रहा है, परंतु फिर भी जीव अज्ञान में है और रोता रहता है। तो भगवान और ऋषि लोग इस तरह से समझा रहे हैं। तो भगवान ने पांडु युधिष्ठिर महाराज को राज्य दिलाया, उस कथा को संक्षेप में कह रहे हैं। इसके बाद द्वारका प्रस्थान की लीला सुत जी कहेंगे। साधयित्वा जात शत्रु स्वम राज्यम कितवैर्हृतम घातयित्वा सतो राज्य कच स्पर्श छतायुषः। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के राज्य को लौटाया साधयित्वा, बहुत तरह से युद्ध आदि करा करके भगवान ने युधिष्ठिर के राज्य को छीना, जिस राज्य को कितवही हृतम धूर्तों ने, शकुनी और दुशासन आदि दुष्टों ने जिस राज्य को छीन लिया था। वास्तव में राज्य युधिष्ठिर का था, लेकिन जुआ के छल से उनका राज्य इन दुष्टों ने छीन लिया था। तो भगवान ने पुनः युद्ध करा करके और घातयित्वा असतो राज्ञः कचस्पर्श छतायुषः, द्रौपदी के केशों को छूने के कारण जिन राजाओं की आयु नष्ट हो गई थी, जिनकी उम्र समाप्त हो गई थी, उन समस्त असत दुष्ट राजाओं का वध करा करके भगवान ने युधिष्ठिर के राज्य को लौटा दिया। ये प्रश्न होगा कि द्रौपदी के केशों का आकर्षण तो एक व्यक्ति किया था, तो वहां बैठे हुए सब पर ये दोष कैसे लग गया? कचस्पर्श छतायुष, कच का अर्थ होता है केश, केश स्पर्श, द्रौपदी का केश जो खींचा गया था, स्पर्श किया गया था, उससे सबकी आयु समाप्त हो गई थी। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि जिस सभा में द्रौपदी का केश खींचा जा रहा था वहां पर 20 लाख लोग बैठे थे, बहुत बहुत बड़ा सभा भवन था। तो किसी ने प्रतिकार नहीं किया, द्रौपदी के केस को खींचा जा रहा था, खींच करके लाया गया, उसमें रजस्वला भी थी, एक ही वस्त्र पहनी थी, खींच करके लाया जा रहा था। तो जिन लोगों ने इसका अनुमोदन किया या प्रतिकार नहीं किया, तो उन लोगों की आयु उसी दिन समाप्त कर दी गई, माइनस हो गई। ये भागवत कह रहा है, किसी स्त्री के केशों को छूने का अधिकार उसके माता पिता को है, या सखी को, या विवाह के बाद पति को, और कोई नहीं छू सकता है। नहीं तो शास्त्र कहता है कि नातः परम अनायुष्यम पर्दाराभिमर्शनात्, दूसरे की स्त्री का स्पर्श करने के समान आयु को कम करने वाला और दूसरा पाप इस पृथ्वी पर नहीं है। यदि कोई दूसरे की स्त्री है और उसका कोई स्पर्श करता है बुरे भाव से, तो उसकी आयु उसी दिन समाप्त कर दी जाती है, ये शास्त्र कहता है। तो द्रौपदी के केशों को जो छुआ गया, खींचा गया, इसी से उस सभा में बैठे हुए सबकी आयु समाप्त हो गई उसी दिन, कचस्पर्श छतायुष। और भगवान ने फिर सबका वध कराया। याजित्वा स्वमेध स्तम त्रिभीर उत्तम कल्प कही तत्जसह पावनम दीक्षु सत्मन्यो रिवात्म। और बाद में बाद की कथा कह रहे हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर से भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराया, तो 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ही 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र के समान युधिष्ठिर की कीर्ति को भगवान ने सारे दिशाओं में फैला दी। इंद्र 100 यज्ञ करते हैं तब उनको स्वर्ग मिलता है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर केवल 3 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की कीर्ति के समान इनकी कीर्ति फैल गई, वो भी पावनम जसह, पवित्र कीर्ति फैली। कहीं भी संसार में कोई ये नहीं कहता था कि युधिष्ठिर राज्य के लिए अपने स्वजनों की हत्या करा दिए, ये किए, कोई नहीं कहता था। सभी जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा है, उनकी पवित्र कीर्ति सब जगह फैली थी। तो इस तरह भगवान ने महाभारत के युद्ध के बाद
एक दो महीने रहे हस्तिनापुर में, युद्ध के उपक्रम में 4 महीने तक भगवान हस्तिनापुर में थे। आप जरा विचार कीजिए कि जो व्यक्ति 16,108 स्त्रियों का पति है और एक एक स्त्री से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां हुई थी, इतना बड़ा परिवार था भगवान का, फिर भी अपने पांडवों के लिए वे द्वारका छोड़ करके हस्तिनापुर में रह रहे थे और 4 महीना रह गए। एक दो परिवार वाला व्यक्ति 4 दिन रहने में ही हाय हाय करने लगता है कि हम लौटे लौटे घर चले घर चले। भगवान 4 महीना हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र में थे। गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारका रथमास्थित। इसके बाद आमंत्र पांडुपुत्रांश्च सैन्य उद्धव संयुत द्वैपायनाद्भिर विप्रय पूजित प्रतिपूजित गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारका रथमास्थित। भगवान बारंबार पांडवों से विदा लेते थे, युधिष्ठिर से आज्ञा मांगते थे कि भाई आप आज्ञा दीजिए, मैं गांव जाना चाहता हूं, द्वारका जाना चाहता हूं। बारंबार भगवान आज्ञा ले रहे थे। ऐसे जन्म लेने के दृष्टि से भगवान कृष्ण ब्रजवासी हैं, लेकिन वास्तव में वे गुजराती हैं, क्योंकि 100 वर्ष द्वारका में रहे 100 वर्ष द्वारका में रहे, 11 वर्ष वृंदावन में रहे और 18 वर्ष मथुरा में थे। ये भगवान की रहनी है। तो बारम्बार वे आज्ञा ले रहे थे युधिष्ठिर से, लेकिन युधिष्ठिर महाराज रोकते थे, भैया और रुक जाओ और रुक जाओ, देखो सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, एकमात्र आनंद तुम ही हो, तुम हो तो सब सुख है, तुम भी चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे, ऐसे करेंगे। तो रोक लेते थे, भगवान रुक जाते थे। लेकिन भगवान को ये बात तो याद थी कि हमारे पिताजी हमारे विरह में रो रहे होंगे, हमारी माँ देवकी रोती रहती है, हमारी पत्नियां दुखी हैं और भी बच्चे सब। तो भगवान बारंबार आज्ञा मांग रहे थे कि अब हमें जाने दीजिए जाने दीजिए। अंत में युधिष्ठिर आज्ञा दे दिए, भगवान को हृदय से लगाकर कि ठीक है, द्वारका जाना निश्चित हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज एक औक्षहणी सेना भगवान के साथ लगाने की सोचने लगे, क्योंकि जानते थे कि रास्ते में कोई अटैक कर सकता है कृष्ण पर, स्नेह बस वे सोचते थे, यदि भगवान है कृष्ण उनका कोई क्या कर सकता है, लेकिन स्नेह जहां होता है ऐसी बात की जाती है। तो तैयार हो गए, तो साथ में सात्यकी जा रहे थे और उद्धव। ये शोभा है भगवान के लीला की, सात्यकी बहुत बड़े धनुर्धर यादव थे, तो वे साथ में रहते थे और भगवान को बुद्धि देने के लिए उद्धव जी साथ में रहते थे, मंत्री थे। यदि भगवान में कोई बल की कमी है न बुद्धि की कमी है, लेकिन ये लीला माधुरी है कि वे किसी विकट स्थिति में उद्धव जी से पूछा करते थे कि हम क्या करें इस विषय में, आप बृहस्पति जी के शिष्य हैं, न्याय शास्त्र पढ़े हैं, कृपया बताइए इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तो उद्धव जी बताते थे और भगवान उसके अनुसार करते थे। भगवान लीला में यह दिखा रहे हैं कि किसी व्यक्ति को इस तरह अपना सहयोगी रखना चाहिए जो शारीरिक बल में ठीक हो, अस्त्र बल में, और इसके साथ ही परम बुद्धिमान हो, किसी को भी जरूरत पड़ती। तो भगवान सैनेय और उद्धव के साथ रथ पर बैठे। उस समय उन्होंने व्यास धौम आदि ब्राह्मणों को प्रणाम किया और वे लोग भी भगवान को प्रणाम कर रहे थे, वे जानते थे कि ईश्वर है। और भगवान तो एक क्षत्रिय बुद्धि से, मैं क्षत्रिय हूं इसलिए उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे और ये ब्राह्मण लोग आशीर्वाद भी दे रहे थे। वे लोग कहते थे सुखी भव, तो यात्रा निर्विघ्ना भवतु, आपकी यात्रा निर्विघ्न हो। जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है भगवान, उनको ये आशीर्वाद दिया गया था कि आप सुखी होइए, चिरंजीवी रहिए, आपको कोई शत्रु अभिभूत न करने पाए। तो भगवान उस आशीर्वाद को सुनकर बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। इस तरह से विदा होकर के वे चले रथ पर। तब तक उन्होंने देखा
गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमास्थित उपले भे भी धावंतिम उत्तराम भय बिहवलाम। भगवान जिम ही जाने के लिए तैयार थे, अभी रथ पर बैठे हुए थे, रथ चला नहीं था, तब तक उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से बिहवल होकर के मेरे तरफ भागती हुई आ रही है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, अभिमन्यु इस युद्ध में मारे जा चुके थे, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, और उत्तरा महाराज विराट की पुत्री थी, जहां पांडव लोग एक वर्ष अज्ञातवास किए थे उस राजा की पुत्री थी उत्तरा। तो उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए थे, पर उत्तरा गर्भवती थी। तो इधर आपने कल सुना था कि अश्वत्थामा का जब अपमान किया गया, उसके केश काटे गए, उसकी मणि निकाल ली गई, तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रतिज्ञा किया कि इस पृथ्वी पर पांडवों के वंश को समाप्त करके रहूंगा। तो पांडवों के वंश में केवल 6 व्यक्ति बचे थे, 5 पांडव और एक अभिमन्यु का पुत्र जो आगे परीक्षित महाराज हुए, गर्भ होता उत्तरा का एक गर्भ था, गर्भ में एक बच्चा था और 5 पांडव थे। तो 5 ब्रह्मास्त्र चला, 6 ब्रह्मास्त्र चलाया एक साथ, और ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है कि उसकी प्रतिक्रिया दूसरे अस्त्र से नहीं की जा सकती, और जिस लक्ष्य पर वो चलता है उसको पूरा करके ही रहता है, वो कभी विफल नहीं हो सकता। तो 2 गुण है ब्रह्मास्त्र के, एक तो वो लक्ष्य पूरा करके ही रहेगा, जिसके लिए चलाया जाता है उसको मार करके ही रहता है, और दूसरा कोई भी अस्त्र उसको दबा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र ऐसा घातक अस्त्र है। अश्वत्थामा क्रोध करके चलाया, तो भगवान ने देखा कि उत्तरा भय विह्वलाम, भय से कांपती हुई, हाहाकार करती हुई सीधे भगवान के पास आ रही थी। यद्यपि उत्तरा इस तरह से भगवान के पास कभी नहीं हुई थी, लेकिन बेचारी करे क्या, इस संकट की स्थिति में वो रो रही थी, कांप रही थी, और सीधे अंतःपुर से, राजभवन से निकल करके और भागती ही भगवान के पास आई। यद्यपि वहां अर्जुन थे, युधिष्ठिर महाराज थे, भीमसेन थे और भी वीर थे, लेकिन किसी की शरण में वह नहीं गई। वो भगवान के प्रभाव को जानती थी कि यही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो उत्तराम भय बिहवलाम, उपलेभे, उपलेभे का अर्थ भगवान ने देखा कि उपलेभे अभिधावंती, अभी का अर्थ अभिमुखम, मेरे तरफ धावंती, मेरे तरफ दौड़ती हुई आ रही है, भागती हुई आ रही है और कांप रही है थर थर। और आते आते उत्तरा ने कहा, पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्य जत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगिन, हे समस्त अचिंत्य शक्तियों के आश्रय, हे देवताओं के भी देव, हे देवताओं के भी पूज्य, और हे संपूर्ण विश्व की रक्षा करने में समर्थ, पाही पाही आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए बचाइए। बेचारी इस तरह से रोती हुई आ रही थी, बहुत करुण दृश्य था। एक तो गर्भवती नारी थी और गर्भ पर लक्ष्य बना करके ब्रह्मास्त्र मारा गया था, और दूसरे वो बेचारी विधवा थी, उसका कोई रक्षक दूसरा नहीं था। किसी भी स्त्री के लिए पति बहुत बड़ा सहारा माना गया है संसार में। एक श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में किसी स्त्री को पति जितना प्यार दे सकता है, उतना सारे भाई मिलकर के, पिता मिलकर, ससुर सास, कोई नहीं कर सकते। इसलिए पति के बिना स्त्री की बहुत दुर्दशा हो जाती है। तो वह अनाथिनी थी, पति शून्य हो चुकी थी और बच्चा गर्भ में था, तो इस कारण से बच्चे को बचाने के लिए भगवान के शरण में आ रही है। तो पाही पाही महायोगिन, देव देव जगत पते, हे देव। और महायोगी का अर्थ है, योग का अर्थ होता है अचिंत, उपायों के अधीश्वर। भगवान किसी भी तरह से, कैसे भी किसी की रक्षा कर सकते हैं। तो ये प्रश्न होगा कि किसी दूसरे देवता की शरण क्यों नहीं ले रही हो। तो उस समय कहते, देव देव, आप देवा नाम देव, आप देवताओं के भी देवता हैं।
देवताओं के पूज्य है। ऐसे लोक में लोग ये नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण वास्तव में ब्रह्मा शिव दुर्गा आदि सबके आराध्य है। लोगों को ये जानकारी नहीं है, परंतु यह सत्य है शास्त्रों द्वारा। हम लोग देखते ही संसार में मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, लेकिन देवताओं के लोक में सब जगह भगवान की ड्यूटी रहती है, भगवान की मूर्ति रहती है, वे लोग भगवान के भक्त। और जगतपति पति का अर्थ पालक, समस्त विश्व की रक्षा करने में भगवान समर्थ है। तो ये तीन विशेषण भगवान के लिए उत्तरा बोल रही है कि हे महायोगिन, हे देवदेव, हे जगतपते, नान्यम तोद अभयम पश्य जत्र मृत्यु परस्परम, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो मानो भगवान ने कहा कि तुम दूसरे की शरण क्यों नहीं ले रही हो, तो कहते नान्य तोद अभयम पश्य, आपके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देख रही हूं जो इस संसार में भय शून्य हो और दूसरे का भय दूर कर सकता है। केवल आप ऐसे हैं जिससे कि आपको कोई भय नहीं है किसी से भी, और दूसरे का भय नष्ट करने में आप केवल समर्थ हैं। संसार में और लोग दूसरों को मार सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते, बचाने वाले केवल आप। जत्र मृत्यु परस्परम, अब देखिए इस संसार में उदाहरण है, कुछ आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने दूसरों को मार दिया, लेकिन क्या कभी किसी को जीवन दान दिया है किसी ने? मार सकते हैं लेकिन मरे हुए को क्या जिलाए हैं, कोई जिलाया है? जीवित को तो मारने की शक्ति सब में है, चाहे बम से मार दे, चाहे विष से मार दे, चाहे राइफल से मार दे, जैसे भी। जत्र मृत्यु परस्पर, मारने में लोग समर्थ हैं लेकिन बचाने में समर्थ नहीं। ऐसे हम लोग घटनाएं रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, टेलीविजन में देखते हैं कि इतने लोग आज इधर मर गए, उतने लोग उधर मर गए, है ना? मरने की रोज घटना हो रही है, लेकिन क्या किसी दिन ये पढ़ते हैं कि कब्र से दो चार मियां निकल करके बाहर आ गए, ऐसा कभी पढ़े हैं? ऐसा तो एक दिन भी नहीं पढ़े ना। कब्र में जाने की रोज घटना हो रही है, निकलने की नहीं, क्योंकि ये संभव ही नहीं, ये तो केवल भगवान कर सकते। वो कहना भर है कि कयामत के दिन खुदा आएगा और प्राण डालेगा, ये सब उठेगा, काहे को उठने जाए? शरीर तो गया, कीड़ा बन गया और आत्मा गया दूसरे देह में। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अमर है, वो गया दूसरे देह में और अभी इधर प्रतीक्षा में है कि अभी ये आएंगे, ये रूहे उठेंगी, काहे को उठने जाए? सब भ्रम है, अज्ञान है वास्तव में। तो उत्तरा कह रहे कि जत्र मृत्यु परस्परम, इस संसार में एक दूसरे को मारने की शक्ति है लोगों में, लेकिन हे प्रभु जिलाने की शक्ति नहीं है, बचाने की शक्ति नहीं है। केवल आप ही जिला सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं, केवल आप ही बचा सकते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, कृपया रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अति दीनता के कारण बेचारी बोल रही है कि मैं तो जीने लायक नहीं हूं, मुझे तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन मेरे पति युद्ध में मारे गए, लेकिन मैं इतनी निर्लज्जा हूं कि मैं जी रही हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूं। तो वह भगवान से इस प्रकार का विनय कर रही कि यह लोहे का दहकता हुआ बाण मेरे गर्भ पर निशाना बना करके आ रहा है, मेरे गर्भ को मारना चाहता है। तो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता, अभी द्रवति माम इस सरस तप्ता सुविभो, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। यह आयस का लोहे का जलता हुआ बाण मेरे तरफ आ रहा है, मेरे गर्भ को मारना चाहता है, लेकिन भले मैं मर जाऊं, कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ, हे हमारे रक्षक, हे प्रभु, भले मैं मर जाऊं, ये मुझको मार दे, लेकिन मेरे गर्भ को न मारने पावे, मेरा गर्भ बच जाना चाहिए। यह उत्तरा बहुत ही गंभीर बात को सोच करके भगवान से प्रार्थना कर रही है। वो चाहती है कि कृष्ण की कीर्ति इस जगत में रहनी चाहिए,
वो जानती है कि यदि पांडवों का वंश समाप्त हो गया तो कृष्ण की बहुत निंदा होगी कि कृष्ण रक्षक थे फिर भी पांडवों का वंश समाप्त हो गया इस संसार। तो कहती है भले मैं मर जाऊं, माम दह तो ये लोहे का बाण मुझे जला दे, लेकिन मामे गर्भ निपात था, मेरा गर्भ नहीं गिरना चाहिए, मेरा गर्भ नहीं मरना चाहिए। तो भगवान बड़े ध्यान से इस बात को सुन रहे थे। उपधार जब वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सल अपांडव मिदम करतुम द्रोणे रस्त्रम अबुद्ध्यतम। तो भगवान थोड़ा सा मनुष्य लीला करने लगे, विचारने लगे, उसके बात को बड़े ध्यान से भगवान ने सुना रथ पर बैठे बैठे, और तुरंत समझ गए कि यह अश्वत्थामा का बाण है, ब्रह्मास्त्र है, और इस पृथ्वी को पांडव शून्य करने के लिए उसने इस बाण का अनुसंधान किया। भगवान बड़े ध्यान से बात को सुन, सुध गोस्वामी जी कहते उपधार जो, कोई दुखी व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसकी एक एक बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान बड़ी सावधानी के साथ उत्तरा के बात को सुन रहे थे। उत्तरा ने जो भगवान के विषय में कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात, वहां उसके ससुर थे युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन थे बड़े धनुर्धर, भीमसेन गदाधारी थे, युधिष्ठिर महाराज भी बहुत बड़े धनुर्धर थे, नकुल सहदेव थे, लेकिन वो किसी से भी अपने बचाने की प्रार्थना नहीं की, सीधे भगवान कृष्ण से कहती। तो इसके द्वारा कृष्ण की महिमा व्यक्त होती है। उस समय की स्त्रियों को भी पता था कि कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, और वे बहुत उच्च कुल की महिलाएं थी। महाराज युधिष्ठिर के भवन में नारद जी आते थे, वेदव्यास देव आते थे, गुरु वशिष्ठ देव आते थे, द्रौपदी के खास गुरु थे वशिष्ठ जी, ऐसा शास्त्र कहता है। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय उसे अपने गुरु की बात याद आई, लिखा गया है महाभारत में। वशिष्ठ देव ने कहा था द्रौपदी से कि द्रौपदी जब जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आवे तो उस समय तुम्हें चाहिए कि तुम भगवान को पुकारो, कृष्ण को पुकारो, वही दुख दूर करते। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। वास्तव में जब सारे उपाय थक जाते हैं, कोई सहारा नहीं दे पाता है, फिर भी भगवान की कृपा से प्रकाश मिल जाता है, सहारा हो जाता है। तो यह विचारणीय बात है कि सारे स्वजन भरे पड़े हैं और सब भरे पड़े हैं, और वह कुल वधु बेचारी सीधे भगवान के शरण में आई भागते हुए। इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है ना कि भगवान की महिमा की कथा समाज में फैली हुई थी। वह अबला वह स्त्री जानती थी कृष्ण की महिमा को, लेकिन आजकल के तो बड़े बड़े फिलोसफर और साधु तथा कथित भी नहीं जानते हैं कि कृष्ण कौन, भजन दूसरों का कर रहे हैं, है ना? देखते हैं भगवान का भजन बहुत कम लोग कर रहे हैं इस संसार में। इस साधु का भजन, उस साधु का भजन, इस देवता का भजन, उस देवता का भजन, और इसीलिए सारे दुख भरे पड़े, दुख जा नहीं रहा। उत्तरा के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए, भगवान रक्षक हैं, भगवान की शरण में रहना चाहिए, ऐसे देवताओं का आदर करना चाहिए, साधु महात्मा सबका आदर करना चाहिए, लेकिन भरोसा और आश्रय केवल श्री कृष्ण का रखना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण हमारी शरण है, बहुत सुंदर मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान बहुत शीघ्र सुनते हैं, उत्तर देते हैं। तो उत्तरा की बात को उन्होंने ध्यान से सुना और वे समझ गए कि अश्वत्थामा का यह ब्रह्मास्त्र है। जब भगवान इस तरह से विचार कर ही रहे थे, तरहे वाथ मुनि श्रेष्ठ पांडव पंच सायकान आत्मनोभिमुखान देवतान आलक शस्त्राण उपाददु। तो भगवान को विदा दे रहे थे पांडव भी उस समय, जब भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार थे तो युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव वहीं खड़े थे, द्रौपदी भी खड़ी थी,
और सुभद्रा खड़ी थी भगवान को अपने भाई को विदा दे रही थी और कुंती महारानी भी अपने भतीजे को विदा कर रहे थे। तो भगवान के विरह में कितना उनको दुख होता होगा इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पा सकते। एक तो भगवान के भावी विरह से वे दुखी थे और राज्य में घर में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा हुआ था। पांडवों का लगा था केवल कृष्ण में, कृष्ण चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, कृष्ण को यह भेंट देना है, ये देना है, वो देना है, और बहुत सी वस्तुएं दे रहे थे कि ये हमारे मामा को दे दीजिएगा, वसुदेव जी को दीजिएगा, उनको दीजिएगा, इसको दीजिएगा, बलराम जी को दीजिएगा, बहुत से उपहार दे रहे थे, प्रेम से विदा कर रहे थे। उसी समय उन पांचों पांडवों पर पांच ब्रह्मास्त्र आए एक समय, उत्तरा के गर्भ पर और पांचों पांडवों पर। तरही एवा, शुद्ध जी कहते तरही का अर्थ उसी समय, तभी, तरही एवा अथ मुनि श्रेष्ठ, हे सौनक जी, उसी समय पांच बाण पांडवों